सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगीज एलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी 2 की हम बात कर रहे हैं, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 14.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कहता क्या है, लिखा है अ क्वाइन इज टॉस्ड 3 times इन सक्सेशन, इफ ई इज द इवेंट दैट देयर आर एट लीस्ट 2 heads एंड एफ इज द इवेंट इन विच फर्स्ट थ्रो इज हेड, देन फाइंड ई अपॉन एफ। वो तो बात की बात है। देखो कंडीशन क्या थी उससे हमको मतलब नहीं है, पहले हमको मालूम है कि हमने 3 coin फेंके हैं, तो सबसे पहला काम तो मुझे करना ये होगा कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालने पड़ेंगे। तो मैं सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत, मतलब डायल लिखे दे रहा है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, 8 होंगे ना, एच 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 एस टी एस टी एच एस टी 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 एच एस टी एस टी 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 एस टी टी टी, ये आपको बिल्कुल हमने जब बोला है ना इतनी स्पीड से, तो वो डायग्राम मेरे जो जो एक वृक्ष बनता है वो हमारे दिमाग में था, ठीक है। अब कहते हैं ई जो है ना इवेंट, ई के बारे में क्या कहा गया है, देयर आर एट लीस्ट 2 heads, जो ई है ना कि एट लीस्ट 2 heads, एट लीस्ट 2 heads, तो कोई यहाँ 2-3 लैंग्वेज आती हैं, एट लीस्ट, एट मोस्ट और एग्जैक्ट। एट लीस्ट 2 head का मतलब क्या होता है, मतलब 2 head हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा head हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 head आने के लिए भाई बताइए क्या बनेगी, देखो एट लीस्ट, नहीं नहीं प्रॉबिलिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हम सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा ना, पहले उसकी इवेंट निकालनी पड़ेगी ना कौन कौन से हो सकती हैं। एट लीस्ट 2 head मतलब पहले हेड, दूसरा हेड, फिर टेल, एच एच एच, मतलब एक क्रम से बनाओ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए कह रहा हूं। पहले में एच टेल था, दूसरे में एच टी था, इसमें 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 एच टी था, एट एच 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 हो सकता है, हेड 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 हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है, एच एच टी हो सकता है, एच टी एच हो सकता है, एच टी एच हो सकता है, एच टी टी नहीं हो सकता क्योंकि एक ही हेड हुआ ना, टी एच एच हो सकता है, टी एच एच हो सकता है, टी एच टी नहीं हो सकता है, टी टी एच नहीं हो सकता है, टी 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 नहीं, मतलब ये कितना 4 आया ना, 4 कंडीशन है। और एफ में क्या कहा गया, एफ कह रहा है कि इवेंट फर्स्ट थ्रो इज हेड, एफ कह रहे हैं कि फर्स्ट थ्रो इज हेड, मतलब बाद वाली थ्रो में क्या होगा, बाद वाली थ्रो में हेड हो चाहे टेल हो हमसे मतलब नहीं है, तो इसका मतलब एफ क्या हो सकता है, एच 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 हो सकता है, एच 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 हो सकता है, एच एच टी हो सकता है, एच टी एच हो सकता है, एच टी टी हो सकता है, और टी के साथ कुछ नहीं हो सकता है, क्यों, टी एच एच टी एच टी ये कुछ नहीं हो सकता, ये हो सकता है फर्स्ट थ्रो इज हेड, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ रहा है भाई, एक तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब एच 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 आ रहा है, एच एच टी आ रहा है और एच टी एच आ रहा है, दो हेड चाहिए ना कम से कम, वहां तो एक ही हेड है यहां पर है। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी ई की, जबकि एफ ऑलरेडी हैपेंड है, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये कट गया। ई इंटरसेक्शन एफ कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, और एफ में कितने एलिमेंट हैं, एफ में 1, 2, 3, 4, तो क्या 3/4 आंसर आ रहा है, आंसर मैं देख लेता हूँ, हाँ 3/4, वेरी गुड, हाँ समझ में आई बात नहीं आई, गुड। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, नोट करिए।